अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आदिलाबाद ऑफिशियल चैनल। मैं आदिलाबाद इस टाइम मौजूद हूँ नॉर्दर्न बाईपास पे मौजूद गुलशन इलाही और मुस्लिम सिटी के प्रोजेक्ट में। बेहतरीन प्रोजेक्ट किस्म का, ये बहुत पहले इशू हो चुका था लेकिन आजकल जो इसके अंदर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो रहा है वो बेहतरीन तरीके से हो रहा है। इसको थोड़ा सा हम विजिट भी करेंगे सोसाइटी को, और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, करीम टाउन है, गुलशन रिमान है, मुस्लिम सिटी है, गुलशन इलाही है। जो गुलशन इलाही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर माई पर्पज, लेकिन आप लोगों को पूरा विजिट कराएंगे। जिस तरह का आपको अच्छा लगता है वो आप देखिएगा, हम आपको कमेंट करके बताएगा कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है। बाकी इंतखाब साहब हमारे साथ मौजूद है, अलबरकत ग्रुप के फाउंडर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे यहाँ के रेट वगैरह के हवाले से और कितनी गज की कटिंग है, कब यहाँ पे पोजीशन मिलेगी, क्या इनके स्ट्रक्चर चल रहे हैं, क्या इशू चल रहे हैं, वो सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सोसाइटी के विजिट के ऊपर, लेट्स गो। तो व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद है इंतखाब अहमद साहब, अलबरकत ग्रुप के फाउंडर। इंतखाब साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। जी जज़ाक अल्लाह। अच्छा, हर बार की तरह इस बार भी इंतखाब साहब से ये पूछेंगे, इंतखाब भाई इस सोसाइटी के बारे में ये क्या आपकी राय है और क्या आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कुछ चीज़ें? यार ये जो सोसाइटी है गुलशन इलाही करीम हाउसिंग वालों का प्रोजेक्ट है और ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। ये स्कीम 33 में आता है गुलशन इलाही, और ये आता है मुस्लिम सिटी जो स्कीम 45 में आता है, और स्कीम 33 यहाँ पर एंड हो जाता है। जो अभी जो कम से कम जो स्कीम 33 में जो सोसाइटी है वो गुलशन इलाही जो है वो है, जिसमें आपको ऑनर अगर हम बोलेंगे स्कीम 33 का तो और ऑनर मतलब हर चीज़ की जो है यूटिलिटी चार्जेस जो है आपके क्लियर हो चुके हैं, काम हो चुका है, बस सिर्फ एक NOC का रह गया। जैसी NOC आएगी यहाँ पर जो है घर बनाना। अच्छा, व्यूअर जैसे कि बता रहे हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस जितने भी थे वो सब चीज़ें यहाँ की क्लियर हो चुकी हैं, जो फाइनल चीज़ बची है वो पोजीशन बची है और उसकी NOC निकलेगी, तो पोजीशन भी दे दी है और फिजिकली पोजीशन जो है बस NOC आ जाएगी, SBC के बस फिजिकली SBC की NOC की वजह से थोड़ा सा पोजीशन डिले हुआ है, लेटर मिल चुका है, लेकिन जब वो आ जाएगा तो आपको क्या लगता है अभी क्या रेट चल रहे हैं और उस वक्त क्या रेट होंगे? आप गुलशन इलाही और मुस्लिम सिटी की दोनों पहले इसका रेट चला गया था 25 लाख रुपए का, जैसे फिर NOC का थोड़ा सा हुआ, सोसाइटी की बात करें गुलशन इलाही का, गुलशन इलाही का थोड़ा सा रिवर्स इसलिए हुआ मार्केट के हवाले से और कोरोना आ गया था, तो अभी इसका जो रेट है अभी तकरीबन 15 लाख 16 लाख रुपए में। तो मैं अगर ये बोलूंगा कि ये गोल्डन टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट का, और बिल्कुल स्कीम 33 में समझ लो ऐसी कोई सोसाइटी नहीं जो इतनी अच्छी और ड्यूज भी क्लियर हो हर चीज हो। तो नाज़रीन जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं कि अगर मैं ये बात बोलूँ कि इस टाइम ये गोल्डन चांस है फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 25 लाख की जगह 15 से 17 लाख में आपके पास आई हुई है, तो आपको फौरन लेके रखनी चाहिए। लीज भी है, मजे की बात ये, और लीज सोसाइटी है, लीज सोसाइटी, ये भी आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। अच्छा इंतखाब साहब, मैं एक और चीज पूछूंगा, गुलशन इलाही में कितने की कटिंग है, 120 की और 240 की? इसमें तकरीबन 120 की कटिंग भी है, 240 भी है, 200 भी है, चला वो मैप के हिसाब से आपको बता दिया, मैप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करा जाएगा, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा इंतखाब साहब ये बताइएगा मुस्लिम सिटी के बारे में थोड़ी सी। फिर उसके बाद मुस्लिम सिटी जो है उसमें जो है आपको कम बजट में मिल जाएगा, उसमें जो है तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए में 120 गज भी मिल जाएगी, 15 लाख रुपए में 240-200। मुस्लिम सिटी की पोजीशन, मुस्लिम सिटी में थोड़ा सा ये है कि डेवलपमेंट अभी बाकी है, काम वगैरह ड्यूज वगैरह उसके भी क्लियर है, ले लिए सोसाइटी ने, जो भी अगर आपको बेचता है वो ड्यूज क्लियर के साथ सौदा होगा आपका, पर उसमें जो अभी लीज वगैरह कुछ होंगी कुछ नहीं है, जो पुरानी लीज है वो नई लीज हो जाएंगी सिलेंडर होके,
पर अभी जो है करंट पोजीशन में जो इसका काम हो चुका है, जो डिलीवर हो रहा है, वो है गुलशन इलाही। तो अगर आप फ्यूचर प्लान के लिए आप देख सकते हैं तो मुस्लिम सिटी, अगर कम बजट में अगर आप करंट डिसीजन पे जाते हैं, यार मैं अभी डिसीजन लेके अभी पेमेंट वगैरह करके कुछ अपने नाम पे करूँ तो वो बेस्ट ऑप्शन होगा गुलशन इलाही इंतखाब साहब के मुताबिक। इंतखाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। इनसे कॉन्टेक्ट करने के लिए या अलबरकत ग्रुप के किसी भी एजेंट से कॉन्टेक्ट करने के लिए दिए गए नंबर स्लाइड पर आप कॉल कर सकते हैं, और फ्यूचर में भी दीगर मालूम के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद फ्यूचर की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारी बेल आइकन को लाजिम बजा दीजिएगा, और गाय मंडी की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।